स्थानीय लोग हैं यहाँ से रोज़मर्रा ट्रैवल्स करते हैं उनके उनसे भी जानेंगे कि जो छोटे मोटे गड़े हैं, छोटे मोटे गड़े नहीं हैं, ये गारत के गड़े हैं बोल रहे हैं। गारत के गड़े बोलते मीन्स ये गड़ा आपको सीधा कब्रिस्तान तक ले जाता, दूसरी जगह नहीं ले जाता। ऐसे हमारे फॉलोअर्स का कहना सर ये जो गड़ा पड़ा है, ये छोटे मोटे जो सांगज कमान के अंदर जो गड़े पड़े हैं, जाले वाले आने वालों को नुकसान हो रहा है, गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है, बिल्कुल बता रहे हैं। हाँ फिरते ना बोले तकरीबन हम ज़माने से देख लेते आ रहे हैं, गड़े तो बनी नहीं हो रहे, कौन काम करते हैं क्या नहीं, कि कौन किसके हाथ में है क्या नहीं। कि देखो हर पब्लिक का प्रॉब्लम, रोड पर देखो पब्लिक कैसे कहाँ से कहाँ चले जा रही है। कल हमारे पास नल खुला पानी अहमदबाग में, पानी इतना गंदा है कि पी नहीं सकते, जानवरों को जैसा पानी पिलाते हैं वैसा पानी है। क्योंकि कमिश्नर साहब को बोलिए, हमारी एक ये है कमिश्नर साहब से कि उसको फिल्टर अच्छा करके नल का पानी भी छोड़े। यहाँ पे 24 घंटे में 12 से 15 घंटे ट्रैफिक का मसला है, पुलिस उसको मसले को हल नहीं कर रही। इसके बजाय पुलिस यहाँ पे चालान काटती है ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के बजाय। रोज़ का प्रॉब्लम है ये, पिछले 2-3 साल से मुसलसल यही प्रॉब्लम है। कोई पुलिस वाला यहाँ ड्यूटी पे नहीं आता, ड्यूटी पे आया तो सिर्फ चालान काटने के वास्ते आता है, ट्रैफिक के मसाइल हल करने नहीं आता। और रोड के गड़े पड़े हुए हैं, कोई भी गिर सकता है वहाँ पे। कम टू मास मीडिया बिजार, आज हम जो न्यूज़ बना रहे हैं, जो यहाँ पर सांगज कमान के अंदर जो 2-4 गड़े पड़ गए हैं, गड़े बहुत तो जानलेवा हो गए हैं, यहाँ पर जानी माली नुकसान भी हो सकता है। और यहाँ पर एक शख्स जाते हुए यहाँ पर उनसे बात करेंगे। सर ये जो गड़े पड़े हैं, आप यहाँ बिदर के ही रहने वाले हैं सर? आप जी आप बिदर जी, आप ये जो गड़े पड़े हैं इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? हम CMC कमिश्नर को मानते हैं, क्योंकि CMC कमिश्नर साहब बहुत बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं ये कर रहे हैं, मगर ये रोड का तो काम आ सक नहीं हो रहा। नालियाँ भर के जा रहे हैं, हम नालियाँ साफ़ करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, कहीं ऐसा हमको दिख नहीं रहा है कि उन्होंने हर काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त में परसों ही उनकी स्ट्राइक चल रही थी लेबर्स को लेकर, परमिट को लेकर, वो लेबर्स उनकी स्ट्राइक खत्म हो गई, वो उस बीच में काम नहीं हुआ हो सकता है, उस बीच में काम नहीं हुआ नहीं अब से नहीं भाई, उन्होंने आके कम से कम 1 साल के करीब होने आ रहा है, 1 साल में कुछ काम नहीं हुआ। ये ट्रैफिक का देखो आप क्या हाल है, ट्रैफिक अगर रुक गई तो आधा आधा घंटा यहाँ पे ट्रैफिक रुक जाती है। कुछ काम रहते हैं, कुछ बहुत सारे पेशेंट रहते हैं यहाँ पे हॉस्पिटल को जाने के लिए, उनके लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है, पूछो मत। हम कमिश्नर साहब से एक इल्तिजा एक ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये यहाँ के रोड वगैरह देखिए आप कितने गड़े हैं यहाँ पर, कि लोग जाने के लिए इतनी तकलीफ़ हो रही है, पूछो मत। सर हम आपको ये बताना चाहते हैं, कमिश्नर साहब जो आके यहाँ पर बिदर के जो CMC कमिश्नर हैं, तो आके 4 महीने हो गया है, आप बोल रहे हैं 1 साल, 1 साल नहीं हुआ, 4 महीने हुआ जी, 4 महीने में भी काम हो सकता है, 1 घंटे का भी काम है ये अगर समझो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बावजूद मैं कल हमारे पास नल खुला पानी अहमदबाग में, पानी इतना गंदा है कि पी नहीं सकते, जानवरों को जैसा पानी पिलाते हैं वैसा पानी है। क्योंकि कमिश्नर साहब को बोलिए, हमारी एक ये है कमिश्नर साहब से कि उसको फिल्टर अच्छा करके नल का पानी भी छोड़े। तो आपके काउंसलर की भी जिम्मेदारी रहती है ना वहाँ पर जाके, तो बहुत सारे काम आप CMC को ले जाते हैं, एक ये जिम्मेदारी भी ये है कि आपके पास पानी साफ नहीं आ रहा, आप कमिश्नर साहब को एक गिलास में व्हाइट गिलास में ले जाके बता सकते हैं ना मेरे वार्ड में ये परेशानी। नहीं 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 बिल्कुल हम बताएंगे ये भी पानी, और हम काउंसलर साहब को भी कहें, अभी बाड़ी नहीं बनी क्योंकि उन लोगों को काम नहीं करने दे रही है जो CMC जो कमिश्नर AEE उन्होंने जिम्मेदार इसके पूरे जितना भी, अब जब तक बाड़ी नहीं बनेंगी कमिश्नर के हाथ में रहता है ये रोड बनाना, हर चीज़ काम करना। तो सर हमारा एक सवाल है, बाड़ी कब बनेगी और बाड़ी बनने में कौन रुका रहा है, इसके बारे में बताइए सर। ये BJP गवर्नमेंट के हाथ में है, BJP गवर्नमेंट काम नहीं करती, खाली बातें ज़्यादा करती है। देखो आप अगर बाड़ी बनती होती तो कितना अच्छा काम होता, बाड़ी बनाने की जिम्मेदारी उनकी है गवर्नमेंट की। तो बिदर के लोगों का, स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि इसमें बिदर MLA रहीम खान साहब का भी कुछ आप आवाज़ बोल सकते हैं कि यहाँ पर लोगों को तकलीफ पेश आ रही है। मेरे काउंसलर को, जो मेरे बिदर में जितने भी काउंसलर आते हैं, 35 काउंसलर आते हैं, सभी को यहाँ पर तकलीफ पेश आ रही है, आप ज़रा बाड़ी CMC की बना दिए तो यहाँ के स्थानीय लोगों को सॉल्व हो सके। तकरीबन 1.5 साल का टाइम हो गया, इससे पहले भी 2 साल तक इलेक्शन नहीं हुआ, 3.5 साल ऐसा ही DC ऑफिस और कमिश्नर साहब के हाथ में काम रहा। तो नए लोग जो लीडर बनना चाह रहे हैं, सोशल वर्कर जो लीडर लीडरी में जाना चाह रहा है, उसके हाथ से बहुत दुश्वारी और बहुत मुसीबत पेश आ रही है ना सर इसके बारे में। MLA साहब का भी काम है एक मीटिंग ले
कमिश्नर को बुला के डीसी ऑफिस में डीसी साहब से एक मीटिंग लेके ये कैसा कैसा काम करना है, काम करने के लिए उनकी भी जिम्मेदारी है एमएलए साहब की, इसमें कोई शक नहीं है, एमएलए साहब की जिम्मेदारी है, एमएलए साहब भी ये काम कराना ज़रूरी है। अभी अभी हमने यहाँ ट्रैफिक के लेकर यहाँ पर जो न्यूज़ बनाई थी इसके बारे में, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं यहाँ से रोज़मर्रा ट्रैवल्स करते हैं उनके उनसे भी जानेंगे कि जो छोटे मोटे गड़े हैं, छोटे मोटे गड़े नहीं हैं, ये गारत के गड़े हैं बोल रहे हैं, गारत के गड़े बोलते मीन्स ये गड़ा आपको सीधा कब्रिस्तान तक ले जाता, दूसरी जगह नहीं ले जाता। ऐसे हमारे फॉलोअर्स का कहना सर, ये जो गड़ा पड़ा है ये छोटे मोटे जो सांगस कमान के अंदर जो गड़े पड़े हैं, जाले वाले आने वालों को नुकसान हो रहा है, गाड़ी एक्सीडेंट हो रही है बिल्कुल बता रहे हैं। हाँ फिरते ना बोले, तकरीबन हम ज़माने से देख लेते आ रहे हैं गड़े तो बन ही नहीं हो रहे, कौन काम करते हैं क्या नहीं कि कौन किसके हाथ में है क्या नहीं कि देखो हर पब्लिक का प्रॉब्लम, रोड पर देखो पब्लिक कैसे कहाँ से कहाँ चले जा रही है, कौन जिम्मेदारी इसका है, सबको प्रॉब्लम हो रहा देखो आने जाने वालों को। तो ये आपका ये कहना है कि छोटे गड़े की वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है और वो गड़े में गाड़ी नहीं जाना बिल्कुल लोग साइड से जा रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे जो ऑटो स्थान जो यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो रही है, आप ऑटो चला नहीं जो गड़ा पड़ा है इसके बारे में कहना चाहते हैं सर? गड़ा है जी, गड़ा है सामने, गड़ा है बहुत, तो ट्रैफिक जाम हो रहा क्या करते, अंदर होल सिटी में आने जाने को आपको बहुत तकलीफ है, बहुत ट्रैफिक जाम हो जा रहा जी, बहुत ट्रैफिक जाम हो जा रहा, क्या करते, गड़ा है अंदर सही 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 नहीं है, गड़ा है पूरा। पर जो स्थानीय लोग यहाँ से और एक शख्स जाते हुए उनसे बात करेंगे जो ट्रैफिक के लेकर यहाँ पर जो मसाइल पेश आ रहे हैं, जो गड़ा पड़ा है, जो आने जाने में तकलीफ हो रही है, सर आप इसके बारे में बताइए। यहाँ पे 24 घंटे में 12 से 15 घंटे ट्रैफिक का मसला है, पुलिस इसको मसले को हल नहीं कर रही, इसके बजाय पुलिस यहाँ पे चालान काटती है ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के बजाय, रोज़ का प्रॉब्लम है ये, पिछले 2-3 साल से मुसलसल यही प्रॉब्लम है, कोई पुलिस वाला यहाँ ड्यूटी पर नहीं आता, ड्यूटी पर आया तो सिर्फ चालान काटने के वास्ते आता है, ट्रैफिक के मसाइल हल करने नहीं आता, और रोड के गड़े पड़े हुए हैं, कोई भी गिर सकता है वहाँ पे, कमान में आप जाके देखिए ज़रा कैमरा घुमाइए, वहाँ पे कोई भी गिर सकता है, रोड के मसाइल ये है कमानों के। तो मेरी पुलिस से आला अहदेदारों से यही गुजारिश है कि वो आके जो है ना इन मसाइल को हल करे, ये रोड जरा भी सही नहीं है, हम हैंडीकैप आदमी गिरते पड़ते जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो आप कहाँ से, चिदरी से यहाँ तक ओलसीटे तक आ रहे हैं? चिदरी रोड बहुत मुश्किल में आ रहे हैं जा रहे हैं, सही आखिरी मजबूर आदमी हैंडी क्या आदमी कैसा करते हैं आपके हाथ में? आने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, गड़ा पूरा पूरी सड़क बेकार हो रही, पानी भी भर जा रहा बरसात में, निकलने में बहुत परेशानी हो रही साहब, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ये रोड सही कराने का कोई तो बंदोबस्त कराओ ना, पूरी रोड थोड़ी देर के बाद बारिश हुई तो यहाँ पर पानी जमा हो जा रहा, ट्रैफिक यहाँ से वहाँ तक पूरा जाम लग जा रहा, पूरा कोई सुविधा नहीं क्या अभी नहीं।